दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको अपना अगर स्टोर क्रिएट करना होता है तो वो स्टोर क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है। इसके साथ ही ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज होती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोल्व करके अभी दिखाऊंगा। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए यहाँ पर ये एक इमेज है। इस इमेज से पहले मैं आपको थ्योरी जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। नंबर एक यानी कि कोई भी कस्टमर जो होता है बाय ऑनलाइन, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता है ऑनलाइन, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे होता है योर स्टोर, यानी आपने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है जो कि ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है या कोई सा भी आपने जो अपनी स्टोर क्रिएट किया हुआ है वो होता है। तो उस स्टोर के थ्रू नंबर वन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया आपके स्टोर के थ्रू, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो होता है द सप्लायर, यानी कि उसका जो सप्लायर है आपने जो स्टोर क्रिएट किया हुआ है जिस स्टोर को आपने जो सप्लायर आपके उसमें होता है उससे कनेक्ट किया हुआ है यानी इंटीग्रेट आपने किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आपके स्टोर पे कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका नोटिफिकेशन चला जाता है सप्लायर के पास, और सप्लायर के पास जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है आप देखेंगे कि नोटिफाई और कस्टमर ऑर्डर शिप, यानी कि अब जैसे आपने आपकी स्टोर पे ऑर्डर प्लेस हुआ और आपकी ऑर्डर के थ्रू सप्लायर के पास उसका नोटिफिकेशन जाता है और सप्लायर उस ऑर्डर को शिप कर देता है, यानी कि उसकी जो शिपमेंट होती है सप्लायर करता है, आप कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो ऑर्डर कस्टमर को रिसीव हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है कि जो सप्लायर होता है, सप्लायर क्या करता है, आपके स्टोर पे जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसमें से आपको कमीशन, बाकी का जो भी सप्लायर की जो वैल्यू होती है ऑर्डर की, वो डिडक्ट करने के बाद में वो कमीशन आपके जो स्टोर में जो आपने बैंक अकाउंट अपना लिंक किया होता है उसके अंदर पेमेंट का सेटलमेंट कर देता है। और कितने दिन में करता है, अप्रोक्स आपका 15 से 20 दिन का टाइम होता है उसमें जो कि आपका ऑर्डर सेटल हो जाता है। तो ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग का एक थ्योरी पोर्शन। अब मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको अपना एक स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है और वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक इंडिया की जो कंपनी होती है ब्लिंक स्टोर, मैं पहले उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो ब्लिंक स्टोर जो है एक तरह की ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि ये भी जो सर्विस, तो इसके अलावा और भी हैं लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा इसका डेमो भी दिखाऊंगा और लाइव भी दिखाऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से इसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे या ऑर्डर पे जो इसमें स्टोर आपको क्रिएट करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे गूगल पे ब्लिंक स्टोर यहाँ पे मैंने टाइप किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो यूआरएल होता है ये ब्लिंक स्टोर जो है एक तरह का ड्रॉप शिपिंग जो प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें प्रिंट ऑन डिमांड यानी कि आपको कोई भी टी शर्ट होती है उस पर आपको अपनी डिज़ाइन जो बनानी होती है, और डिज़ाइन बनाने के साथ में ही आप उस डिज़ाइन को इसमें अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के साथ ही आपका जो स्टोर क्रिएट होगा उसके अंदर इसमें सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को आप किस तरह से इसमें लाइव करेंगे वही मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो इसमें आपको लॉगिन और साइन अप का प्रोसेस सिंपल सा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी आपका अकाउंट होता है, गूगल का अकाउंट है या जीमेल का अकाउंट है, उससे भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट से सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के साथ ही ये जो है ब्लिंकिट का आप देखेंगे कि स्टोर अब आपको यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे क्रिएट, तो क्रिएट के अंदर क्या होता है, तो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट आपको ऐड करना है या नया स्टोर क्रिएट करना है, इसके साथ ही न्यू कस्टम ऑर्डर आपको प्लेस करना है। तो मैं सबसे पहले स्टोर की बात कर लेता हूँ, एक स्टोर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और स्टोर यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लिंकिट पे जो स्टोर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ SS डिजिटल इंडिया। ये मैंने नेम यहाँ पे डिफाइन कर यार क्रिएट स्टोर, मैंने जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये नाम किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं SS डिजिटल इंडिया 1 दे देता हूँ इसका जैसे क्रिएट स्टोर, तो मैंने इसका नाम दे दिया SS डिजिटल इंडिया 1, यानी कि मैंने स्टोर का अपना नेम डिफाइन कर दिया। और नेम डिफाइन करने के साथ ही अब आपको इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज योर स्टोर, तो कस्टमाइज आप कर सकते हैं, बैनर होता है, प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना जो बैनर होता है यानी कि जो इसमें यहाँ पे आप पेंसिल का जो सिंबल दिया गया है इसके अंदर इन सबका नाम मैं चेंज कर देता हूँ SS डिजिटल इंडिया, ये मैंने नेम डिफाइन कर दिया। अगर आपका कोई लोगो होता है या इसके अलावा कोई भी अगर आपने बैनर बना रखा है तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे जो टेक्स्ट था इसका। और इसके साथ ही बैनर आप देखेंगे सिंपल बैनर है ये। अगर इसका आप यहाँ पर जैसे एडिट बैनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मैं बैनर का जो नाम है वो दे देता हूँ SS डिजिटल इंडिया।
और अब यहाँ पे टेक्स्ट को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अगर हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, लेकिन मैं भी अब इसको हाइड नहीं कर रहा। और मैंने यहाँ पे बैनर की साइज़ आप देखेंगे कि अगर अपलोड बैनर की इमेज अगर आपने कोई बना रखी है तो आपकी साइज़ देखेंगे 1200 बाय 1400 पिक्सल, सॉरी 1200 बाय 400 पिक्सल जो इसकी साइज़ होनी चाहिए वो बैनर की आप यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी मैंने इमेज कुछ तैयार नहीं की है तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर टेक्स्ट बैनर मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने केवल एक नेम यहाँ पे डिफाइन किया है, बैनर मैंने तैयार किया है, और यहाँ पे जैसे मैं करूँगा गो टू स्टोर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से ये आपका एक स्टोर तैयार हो गया जो कि ब्लिंक स्टोर पे मैंने तैयार किया है। तो ये एक आप बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, आप देखेंगे हर तरह का कोई भी सारी चीज़ें खाली है। अब वापस मैं आ जाता हूँ, जैसे वापस मैंने इसको क्लोज किया, और तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लिंक स्टोर पे मैंने अपना जो स्टोर क्रिएट कर दिया और उसका नाम दिया मैंने SS Digital India। तो स्टोर मैंने आपको दिखा दिया जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तक कोई सा भी इसमें प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब अगर आपको इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है इसमें जाके आप करेंगे डिज़ाइन प्रोडक्ट, या इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट का, क्रिएट में भी आप जाके न्यू प्रोडक्ट अगर आप कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया न्यू प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आप ये कैटेगरीज दी होती है उस कैटेगरी में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उसको आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ऑल कैटेगरीज के अंदर तो सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से मैं कोई सा भी जैसे एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऐड डिज़ाइन, अब आपको क्या करना होता है कि इस जो टी शर्ट है इसके ऊपर आपको डिज़ाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है ऐड डिज़ाइन का, तो इसमें क्या होता है कि ऐड डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर इसमें आप देखेंगे इसका जो फ्रंट का जो डिज़ाइन की ये साइज़ है यहाँ पे दी हुई है कि फ्रंट की जो ये टी शर्ट है इसकी साइज़ आप देखेंगे 12 बाई 15.5, यानी कि 12 इंच और 15 इंच की जो इसका डायमेंशन दिया गया है। और इसमें इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि आपकी जो इमेज होती है यानी कि जो डिज़ाइन आप तैयार करते हैं वो कम से कम जो होती है 300 पिक्सल जो होती है पर इंच पे होना चाहिए, उससे कम अगर आपकी होती है तो इसमें जो है डल इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, और इसमें डायमेंशन इन्होंने दिया हुआ है 3000 बाय 3000 पिक्सल का होना चाहिए जो भी डिज़ाइन आप इसमें क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया, और इसके साथ इसकी प्राइस भी दी हुई है, तो वो भी चेंज मैं बाद में अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। कलर अगर ऑप्शन आप देना चाहते हैं इसमें तो कलर ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कि मल्टीपल कलर्स में, यहाँ पे ये मल्टीपल कलर मैंने ऑप्शन दे दिए। अब इसमें यहाँ पे बात करते हैं ऐड डिज़ाइन की, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है डिज़ाइन इसकी तैयार करनी है। तो डिज़ाइन आप तैयार करेंगे फोटोशॉप के अंदर, मैं यहाँ पे एक न्यू ले लेता हूँ, और न्यू के अंदर मैंने पिक्सल आपको बता दिए थे 3000, यानी 3000 बाई 3000 पिक्सल आपको लेने हैं, और इससे क्या होगा कि एक हाई डिफिनेशन की इमेज तैयार हो जाएगी। और रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब यानी कि इसके अंदर आपको वो कंटेंट या डिज़ाइन आपको तैयार करनी है, तो मैं एक सिंपल सी डिज़ाइन मैं तैयार करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे SS Digital India मेरा स्टोर का नाम है उसी की डिज़ाइन तैयार कर देता हूँ। तो डिजिटल इंडिया मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं जो वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा फॉन्ट लेता हूँ जो थोड़ा सा विजिबल हो। तो जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट लिया और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज में इसकी, थोड़ा सा मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा इतना विजिबल नहीं है, ये वाला फॉन्ट मैंने लिया। अब देखेंगे कि ये मैंने फॉन्ट ले लिया, अब इसका कलर मैं जो चेंज करना चाहता हूँ, कलर जो भी आप देना चाहते हैं वो कलर अपने अकॉर्डिंग आप दे देते हैं इसके अंदर। मैं इसका कलर जो है चेंज करके रेड कलर में कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्राउन कलर के अंदर, जैसे आप देखेंगे मैंने इसका कलर ये कर दिया। अब इसमें PNG फाइल में मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये दे दिया और इसी के साथ मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। SS Digital India के नाम से ही मैं इसको फाइल को सेव कर रहा हूँ, ये PNG फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे मैंने फाइल को सेव किया और ओके, फाइल की फॉर्मेट PNG रखनी है आपको, मैंने जैसे PNG यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि वो JPG में हो गया था, और यहाँ पे है SS Digital India,
ओके, यानी कि पीएनजी इमेज हो गई है। अब पीएनजी इमेज को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, हाई डेफिनेशन ये हो गई। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने स्टोर पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड डिज़ाइन। ऐड डिज़ाइन यानी कि मैंने जो अपने स्टोर पे आप देखेंगे दो तरह की इमेजेस हैं, यानी कि इसमें पीएनजी कौन सी है। जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इमेज तब आपको पता लग जाएगी। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली इमेज इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ, ये पीएनजी है जेपीजी है। आप देखेंगे जेपीजी इमेज, अगर मैं इसको ले लेता हूँ और लेने के साथ ही देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप कलर ऑप्शन अगर आपके चेंज हो जाते हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड भी जो है यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे पीएनजी इमेज लेनी है, वापस आपको एड डिज़ाइन पे जाना है और इस वाली जो जेपीजी इमेज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो पीएनजी इमेज है ये वाली मैं ये ले लेता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि इस वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, अब यहाँ पे इसका कलर जो है, अगर रेड कलर आपको इसमें से हटाना होगा क्योंकि या तो आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कीजिए या अपनी टी शर्ट का कलर चेंज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कलर ऑप्शन मैंने ये चेंज कर दिया, अब इसमें वो कलर हट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी डिज़ाइन आप ले लेते हैं, अब या तो आप अपने फॉन्ट कलर जो से लेते हैं तो उसमें साफ सब पे जो है ये कंफर्टेबल हो, तो वह तो कलर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है कि कोई सा भी कलर, या तो ब्लैक कलर ले या कोई सा भी ऐसा कलर जो कि जो कलर कोड आप ले रहे हैं उसके अंदर वो हर तरह का कलर इसमें चल जाए। तो ऐसा कोड आपको इसमें लेना कलर का ताकि वो हर एक उसमें चल जाए। तो वो कलर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसी के अंदर जाके वापस मैं पीएनजी फॉर्मेट में इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो कलर ना ले, जो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसी के अंदर जो आपका टी शर्ट का जो कलर होता है वो इसमें ना ले। तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया इस वाली इमेज को, दोबारा जो मैंने अभी कलर चेंज किया है उस वाली इमेज को ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लिया, इसमें भी आप देखेंगे कि इतना कलर इसमें विजिबल नहीं है, तो इस वाले कलर को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसमें आप व्हाइट कलर देखते हैं, ये वाला कलर भी अगर आप हटा देंगे इसमें तो बेटर रहेगा। अब इसके अंदर आप ये जो कलर ऑप्शन देते हैं यानी उसके अंदर वो विजिबल अच्छे से होना चाहिए। जैसे कोई सा भी मैंने ये वाला कलर यहाँ पर ले लिया, अब इसी के अंदर मैंने इमेज आपको दिखा दी, इमेज के साथ ही अब ये इसका हो गया फ्रंट आप देखेंगे। और अब मैं जैसे इसे करता हूँ कंटिन्यू, तो इमेज मैंने केवल एक इमेज यहाँ पे ली है, फ्रंट की मैंने इमेज ली है, पीएनजी फॉर्मेट मैंने इसके अंदर ली है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन आप क्या लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन आप कॉपी पेस्ट कर दें जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कलर आप देखेंगे, जो कलर यहाँ पे है वो मल्टीपल कलर जो है वो सेलेक्ट करने के लिए इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी प्राइस, प्राइस में क्या होता है कि 50 रुपये। तो 50 रुपये का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट जो होता है इसमें 50 रुपये ना रखे, अगर आप 100 रुपीज़ अपना प्रॉफिट रखते हैं तो ये जो शिपिंग पड़ेगा 605 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 605। अगर आप इसमें प्रॉफिट अपना कम रखना चाहते हैं तो 50 रुपये का रखना चाहते हैं तो नीचे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 4998 जो होता है इसकी बेसिक प्राइस है। इसमें क्या होता है कि शिपिंग चार्ज भी इंक्लूड हो जाती है, शिपिंग चार्ज इंक्लूड होने के साथ 50 रुपये आपका प्रॉफिट ऐड हो जाता है और 2.5 रुपये का आपका टैक्स मिल जाता है। तो टोटल 553 रुपये इसकी सेल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर 553 का ये सेल होगा। अगर आप अपना प्रॉफिट 100 रुपये कर देते हैं, मैंने कहा भाई मुझे जो है 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर 100 रुपये के केस में 605 रुपये का सेल होगा। तो यहाँ पर आप टैग अगर देना चाहते हैं, ये मैंने ब्रेकअप आपको समझा दिया। टैग के अंदर भी मैं यहाँ पर SS Digital India दे देता हूँ और स्टोर आपका जो होता है अगर मल्टीपल स्टोर्स अगर आपने बना रखे होते हैं तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जो स्टोर लिया हुआ है SS Digital India 1, वो स्टोर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ पब्लिश प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश, तो पब्लिश करने के साथ में आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट था मेरा, मैंने पब्लिश कर दिया है। और करने के साथ ही अब ये क्या होता है कि अपने जितने भी स्टोर में इसके प्रोडक्ट होते हैं उन सबका यहाँ पे डेमो दिखा रहा है कि आपका जो आपने डिज़ाइन जो तैयार की है वो बाकी के जितने प्रोडक्ट होते हैं उस पर किस तरह से प्रिंट होके आएगी। अगर आप इसमें मल्टीपल ऑर्डर्स अगर लेना चाहते हैं, जैसे आपने सारे सेलेक्ट कर लिए, मैं रेंडमली देखो सारे सब सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे सब में प्रॉफिट अगर आप ये 50 का रखना चाहते हैं, इसमें अगर बढ़ाना चाहते हैं, कलर ऑप्शन अगर आप और देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मल्टीपल कलर ऑप्शंस होते हैं वो इसमें आप दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं अलग अलग कलर्स इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, हर एक के अंदर जिस प्रोडक्ट में भी आप चेंज करना चाहते हैं या जो मल्टीपल इसमें आप जो देना चाहते हैं कोई सा भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रॉफिट को अगर आप अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ से इसमें इंक्रीज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरा पर्टिकुलर जो है प्रॉफिट ज़्यादा रहे, या इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर इसमें भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबके अंदर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे जैसा प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्डर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए,
सेलेक्ट करने के साथ ही आप देखेंगे अलग अलग जो भी है, और भी इसमें आप ये लोवर भी हो गया, नोटबुक हो गई या फोटो फ्रेम हो गए, अलग अलग चीज़ सारा सब कुछ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मल्टीपल्स यहाँ पे बैग हो गया, बैग के अंदर भी देखेंगे इस तरह से प्रिंट होके आएगा। कप हो गया, कप के साथ फोन कवर हो गया, और इसमें कप में भी कलर आप देखेंगे कि कलर ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट एक ही कलर आ रहा है, चलो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, यानी कि मैंने आप देखेंगे अप्रोक्स काफ़ी मैंने प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लिए, और ऐड करने के साथ ही जितने भी प्रोडक्ट है आप देखेंगे सब लोडिंग प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो अभी इसके अंदर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की डिज़ाइन को तैयार करेंगे, और डिज़ाइन तैयार करने के साथ ही मैंने जो प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट किए हैं, अब आप क्या करेंगे, वापस अगर होम पे आते हैं और आने पर आप देखेंगे कि ये जो मेरा स्टोर तैयार था इसको मैं अगर आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट मैंने अभी ऐड किए हैं आप देखेंगे एक सिंपल सा बैनर मैंने बनाया था, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने तैयार किए हैं उन सबकी अगर पूरी लिस्ट आप अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट देखने को मिलती है। और अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कस्टमर इसमें आता है और आने पर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप देखेंगे जैसे ये कप है, कप का यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी वो कप की डिज़ाइन आप इसमें देखने को मिल रही है, और इसकी प्राइस कितनी हो रही है, 331 रुपये हो रही है। तो यानी कि अब कस्टमर अगर इसमें आके अपना ऑर्डर प्लेस करता है, जो यूआरएल आप देखेंगे यहाँ पर ये यूआरएल होता है, इस यूआरएल को आप अपना कस्टम जो डोमेन होता है उससे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर ने क्या किया, ऐड टू बैग, यानी इसको ऐड किया, मतलब ऐड टू बैग के अंदर देखो कस्टमर जो होता है कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको भी आप ब्लैंकिट जो स्टोर होता है उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा कस्टमर को। तो इसमें भी मैं अपना जो सेकेंडरी मेरा ईमेल एड्रेस है उससे मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, जैसे ये वाला है। अब ये कस्टमर के लिए है, सेलर के लिए नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने यहाँ पे किया ऐड टू बैग। तो अब क्या मैं इसको जैसे बाय कर रहा हूँ, बाय करने के केस में क्या होता है, मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया, ऐड करने के साथ ही अब मैं यहाँ से इसको बाय करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, और यहाँ पर अगर कोई डिस्काउंट कूपन है तो वो डिस्काउंट कूपन भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने किया प्लेस ऑर्डर, तो अब ये बाकी की जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आप देखेंगे कि ये मैंने जो बाई डिफॉल्ट अपना इस ईमेल आईडी में एक डेमो ऑर्डर प्लेस किया था, तो उस तरह से आप इसमें डेमो जो भी अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑप्शनल होता है। ये बेसिक डिटेल्स आपको इसमें देनी होती हैं, देने के साथ ही जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो 331 का जो पेमेंट होता है ये पेमेंट गेटवे इसमें इंक्लूड होता है, और यहाँ से क्या होता है अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हैं तो अब इस केस में क्या होगा, मैंने इसको स्किप किया, मैंने पूरा डेमो दिखाया आपको, तो ये क्या करेगा कि एक पेमेंट होने के बाद, तो जैसे मैंने इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, तो अब आपने जो स्टोर बनाया था, स्टोर बनाने का मतलब आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टोर मैंने बनाया था उसी से यह ऑर्डर प्लेस हुआ है, और इसमें और भी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि अब अगर ये जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि आपको शिपिंग नहीं करनी, शिपिंग करेगा ब्लिंकिट जो स्टोर होता है ये, क्योंकि आपने क्या किया एक यूआरएल बनाया है। अगर मैं स्टोर की बात कर देता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके, तो सेटिंग में आप देखेंगे एडिट प्रोफाइल होता है, अपडेट पेमेंट होता है, और इसी के अंदर होता है डिलीट अकाउंट। जैसे अपडेट पेमेंट में आप करते हैं तो अब आपको क्या करना होता है कि अगर इसकी पेमेंट आपको चाहिए तो यहाँ पर अपना नेम और अपना यूपीआई जो आपका लिंक होता है, यानी यूपीआई जिससे पेमेंट करते हैं वो यहाँ पे आप अपडेट करेंगे तो उस यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आपके स्टोर की जो होती है सेटिंग्स होती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को अगर वापस आपको दिखा देता हूँ, जो जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए थे, अब उसी में ये ऑल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप अगर आप अपने स्टोर को देखते हैं होम पे जाके, और यहाँ पे लाइव स्टोर आप देखेंगे, अब यहाँ से ये वाला जो स्टोर होता है अगर इसमें आपको अपना डोमेन ऐड करना होता है तो वो डोमेन ऐड करने का भी इसके अंदर ऑप्शन है। उस डोमेन को भी, यानी कि जो भी कस्टमाइज आपका डोमेन होता है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर अब बाकी की और जो चीज़ होती है जैसे आपकी प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के अंदर भी आप जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो मेक पेमेंट का, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अपना यूपीआई आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो यूपीआई ऐड करने के बाद में जो भी आपका पेमेंट होता है उस यूपीआई के थ्रू इसके अंदर पेमेंट ऐड हो जाएगा। इनवाइट अगर आप अपने फ्रेंड्स को कोई इनवाइट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी स्टोर जो आप देखेंगे, स्टोर के अंदर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट होता है एडिट स्टोर में जाके
जो स्टोर मैंने अभी आपको बताया था, और इसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक सेटिंग्स और होती है। इसमें अगर आप अपना डोमेन कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है लिंक योर डोमेन, यानी कि आप अपने इस स्टोर को, जो प्रीव्यू आप देख रहे हैं ये वाला जो स्टोर आप देखेंगे कि अपने डोमेन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में जो जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाए हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट पे अगर कोई भी आप इन प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं या एड कैंपेन जो करते हैं या कोई भी एड इसमें फेसबुक में या कोई भी इंस्टाग्राम में या कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी अगर आप एड इसका पब्लिश करते हैं, तो ये यहाँ पर आपको, जैसे ये स्टोर मैंने आपको दिखाया, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल से आप कॉपी पेस्ट करके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, और इसमें आके कोई भी अगर कस्टमर आपके स्टोर पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उस केस में आपका जो कमीशन होता है, यानी कि ये जो आप देखेंगे 50 रुपये मैंने इसमें कमीशन रखा था, तो 234 रुपये का यह सेल होता है। और इसके अंदर जब भी आप ये 234 का सेल हो जाता है, तो इसमें 50 रुपये का कमीशन आपको मिल जाएगा, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है वो ब्लिंकिट स्टोर जो होता है उसके पास रहेगा। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का जो प्रोसेस होता है, इस तरह से दोस्तों आप अपने जो कोई भी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के साथ ही उसका जो कमीशन होता है वो कमीशन आपको विद इन 50 और 20 डेज के अंदर, यानी 15 और 20 डेज के अंदर आपके जो है बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों ये ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि आप ड्रॉप शिपिंग का जो है किस तरह से स्टोर क्रिएट करेंगे, स्टोर क्रिएट करने के साथ ही ड्रॉप शिपिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको इसके अंदर भी बताया। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट दूंगा कि कोई भी अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप अपना जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी पेमेंट कितने दिन में और कितनी पेमेंट आपको रिसीव होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।